निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नवीनतम रैंकिंग जारी की। कोई बात नहीं है, यह सामान्य सा स्टेटमेंट है कि नवीनतम रैंकिंग जारी की, बिल्कुल सही है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये कब जारी की गई। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट में बल्लेबाजों की सूची पे दूसरे स्थान पर है वर्तमान समय में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अप्रैल में जब रैंकिंग जारी हुई थी तब उसमें विराट कोहली जो है वो प्रथम स्थान पे थे, या मतलब जब भी जारी हुई थी पहले। लेकिन अभी क्या हुआ है, इसमें जो पाकिस्तान का खिलाड़ी है बाबर आजम वो प्रथम स्थान पर चला गया है और सेकेंड स्थान पर ये आ गए हैं। तो अभी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इसमें अगर डेट देके आपसे पूछता है तब तो आप उस हिसाब से कर पाएंगे, और नहीं तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आंसर में कंफ्यूजन होता है कि कब का पूछा। तो डेट देके अगर पूछ रहा है तो ठीक है, वर्तमान की स्थिति मैंने आपको बता दी है, बाकी आप लोग क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो जान जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत किस स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक जारी किया जाता है ये भारत को इसने रैंक दी है 40। टोटल 53 अर्थव्यवस्थाओं की इसमें रैंकिंग की गई और भारत को उसमें 40वें स्थान पर रखा गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये आईपी सूचकांक जो है ये जारी कौन करता है, इसको रिलीज किया है किसने, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जिसको GIPC बोलते हैं, उसने रिलीज किया, और ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी 23 मार्च 2021 को। इनोवेशन इंडेक्स से थोड़ा सा अलग इसको किए रहिएगा, इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 46वां है, 46वां इनोवेशन इंडेक्स में है, वो अलग है। ये जीप के द्वारा जारी किया गया है, है ना। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है यूएस का, चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। मार्च में जारी हुआ था। जिलों में वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक को तैयार करने में राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता किस संस्था द्वारा की जाती है। अब ये रैंकिंग का क्वेश्चन, वैसे तो रैंक इसमें नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये किस मंत्रालय के द्वारा हेल्प की जाती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये विदेश व्यापार महानिदेशालय राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न जिलों के वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक तैयार करने में सहायता करेगा, ऐसी घोषणा इसने की थी वाणिज्य मंत्रालय ने, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पर प्रश्न रखा गया है। प्रत्येक जिले को अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धा के आधार पर रैंक इसमें प्रदान करने की बात की गई थी कि जैसा जो जिला निर्यात करेगा वैसे इसकी रैंक निर्धारित की जाएगी। तो वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कहा था और इसी कारण से ये चर्चा में आया था। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत का स्थान क्या है। ये रिपोर्ट 19 मार्च 2021 को जारी की गई। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें देश पे, टोटल 149 देशों की रैंकिंग की गई और उसमें भारत की रैंक आई 139 रैंक पे भारत है। इसमें सबसे ऊपर कौन है, तो इसमें ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर है फिनलैंड। ये क्या है, हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2021 की। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, हैप्पीनेस रिपोर्ट। किस भारतीय पहलवान ने विश्व में नंबर एक रैंकिंग हासिल की है। अब ये भी रैंकिंग, रैंक का मतलब केवल आप मत सोचिएगा भारत किस स्थान पे, ये भी तो रैंकिंग का ही प्रश्न है, तो हमने इसको भी इसमें शामिल कर लिया है। भारतीय पहलवान एक है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने इस समय वर्ल्ड में नंबर वन रैंकिंग हासिल कर ली थी और इन्होंने मटेयो पोलिकोन रैंकिंग सीरीज में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता था और उसी समय इनकी रैंकिंग फर्स्ट हो गई थी। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने संस्थानों को शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त हुआ है, कितने संस्थान है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, विषय आधारित होती है, और 2021 की जो ये जारी की गई तो टॉप 10 में बात की जा रही है, तो 12 संस्थान है जो भारत के हैं, ठीक है। IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IISc बैंगलोर, IIT गुवाहाटी, IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद,
जेएनयू, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, ये सब इसमें शामिल है। इसमें पूछा जाए कि सबसे अच्छा स्थान किसका है, तो ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास का। आईआईटी मद्रास का स्थान इसमें सबसे 100 में जो स्थान इन लोगों ने बनाया है उसमें तीसवां स्थान है इसका, और ये भारत में प्रथम है, मतलब भारत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे टॉप पे है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020 जारी किया गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा नगर है? म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स एमपीआई जारी किया गया और इसमें प्रथम स्थान पर इंदौर ही आया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 5 स्तंभ एमपीआई के बनाए गए थे। एक तो इसमें सर्विस सेवाएं, दूसरा है फिनांस वित्त, तीसरा है पॉलिसी नीति, चौथा है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी और पांचवा है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। ये इन्हीं के आधार पर ये रैंकिंग की गई थी। तो मिलियन प्लस 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर सबसे ऊपर रहा है और उसके बाद में सूरत का स्थान रहा है, उसके बाद में सूरत और फिर उसके बाद में भोपाल का स्थान रहा है। जीवन यापन सुगमता सूचकांक 2020 रैंकिंग के अंतर्गत मिलियन प्लस आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? जीवन यापन सुगमता सूचकांक की बात हो रही है 2020 की, इसमें बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है जो मिलियन प्लस आबादी वाले शहर हैं, और उसके बाद पुणे अहमदाबाद इन सबका स्थान रहा है। 10 लाख से जो कम आबादी वाले हैं उनमें जीवन यापन सुगमता सूचकांक में प्रथम स्थान रहा है शिमला का। तो प्लस पूछा जाए मिलियन प्लस आबादी वाले तो आप बेंगलुरु, और अगर 10 लाख से कम आबादी वाले तो शिमला। जीवन यापन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया? ये प्रश्न अगर पहले से पेपर कभी सेट किया जाता है या तो उस समय ये चर्चा में क्योंकि था, तो 2 स्थानों को धौलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक किले इनको नामित करवाया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है 2020 में शामिल करने के लिए। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है और सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर इसमें मिलते हैं, और ऐसे ही दक्कन सल्तनत के स्मारक किले जो दक्कन सल्तनत के थे उनको भी शामिल कराया गया था। हाल ही में प्रकाशित नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर है? नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, वही एमपीआई की बात हो रही है, ये इंदौर ही है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया था। मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में उभरा है? वही क्वेश्चन बेंगलुरु, वहां पे नाम दूसरा दिया गया था जीवन यापन। तो हर तरीके से मैं आपको इसको कराया दे रहा हूँ, जीवन यापन सुगमता सूचकांक, और यहाँ पर इसको ऐसे पूछ लिया गया इसको ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, तो ये क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, वहां पे भी ऑप्शन करके लिखा था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान है। 180 देशों की रैंकिंग की गई, उसमें भारत 142वें स्थान पर रहा, और इसमें अगर आपसे फर्स्ट पूछ लिया जाए तो आप इसको नॉर्वे याद रखिएगा, नॉर्वे विश्व प्रेस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। नॉर्वे के बाद में इसमें आती है फिनलैंड की बारी, और उसके बाद में है स्थान डेनमार्क का। तो नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, भारत 142वें स्थान पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। आइसलैंड ने 12वीं बार, ये क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो 12वीं बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, किसने? आइसलैंड ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में केवल 2 देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत से नीचे स्थान मिला है, ये भी सही है। अफगानिस्तान को इस सूचकांक में 156वां स्थान दिया गया है, ये भी सही है। ये सारे स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 12वीं बार आइसलैंड टॉप किया है,
और शीर्ष 10 सबसे अधिक लिंग समान देश देखें तो आइसलैंड के बाद फिर फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड ये सब आते हैं। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। और भारत के पड़ोसियों में नेपाल को 106, बांग्लादेश को 65, अफगानिस्तान को 156, पाकिस्तान को 153, श्रीलंका को 116 यह स्थान मिला है। ठीक है, अब भूटान को 130वां स्थान मिला है। केवल दो देश हैं जिनको भारत से खराब स्थान मिला है, और उसमें एक 156 रैंक हो गई और एक 153 रैंक हो गई, है ना। भारत से नीचे केवल यही दो देश हैं और कोई देश नहीं है। भारत की जो रैंक है इस बार वो है 140, 140वें स्थान पर भारत इसमें है। 2000 अगर 20 की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत का जो स्थान था वो 112 था। बहुत खराब स्थिति हो गई। अब की बार 140 है, 153, 156, 153 पाकिस्तान, 156 अफगानिस्तान, भारत 140। सोचिए कितनी बुरी बात है। 0 से 1 तक का इसमें स्कोर रखा जाता है। लोएस्ट स्कोर 0 होता है, हाईएस्ट स्कोर 1 होता है। 2006 से इसको जारी किया जा रहा है। 156 देशों का इसमें निकाला गया, लास्ट स्थान पे अफगानिस्तान है। तो भारत की पोजीशन कहाँ बड़ी अच्छी है। विश्व में लीची उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है, भारत का स्थान क्या है लीची उत्पादन में, तो प्रथम स्थान लीची उत्पादन में है चाइना का, और सेकेंड स्थान पर आता है लीची उत्पादन में इंडिया। तो ये फर्स्ट है एंड सेकेंड है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल महीने की जो रिपोर्ट जारी की गई थी तो उसमें अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर के प्रभाव के बारे में चर्चा की गई थी, है ना। बाकी रिजर्व बैंक की का जो रोल होता है आप जानते हैं, बैंकों का बैंक है, भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाला बैंक है यह। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, और एक्ट बनाया गया था 1934 में इसके बारे में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया ये बताइएगा। भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड, ISCA बोलते हैं इसको, 2020 की सूची में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें उत्तर प्रदेश है। भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार के अंतर्गत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश को सभी राज्यों में शीर्ष स्थान दिया गया है, और उत्तर प्रदेश के बाद में सेकेंड स्थान आता है मध्य प्रदेश का, और फिर इसमें तमिलनाडु का थर्ड स्थान आता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इंदौर और सूरत ने इस साल अपने समग्र विकास में संयुक्त रूप से शहरी पुरस्कार जीता है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड मिला है, लेकिन स्टेट की बात आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के 10वें संस्करण के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट इसमें पहला है कि 10वां संस्करण 23 जून 2021 को प्रकाशित किया गया। डेट आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन किया गया है। इस सर्वेक्षण में 46 मीडिया बाजारों में समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत 31वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, किस स्थान पर है? 31वें स्थान पर है। ये सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73% उत्तरदाता समाचार प्राप्त करने के लिए भारत में स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। सर्वे किया गया, उत्तरदाता मतलब जिनसे सर्वे किया गया, जिनसे पूछा गया कि आप न्यूज कैसे पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा स्मार्टफोन से 73% लोगों ने। 82% सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, और 63% केवल व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त करते हैं। फिनलैंड 65% के साथ समाचारों में समग्र विकास विश्वास का उच्चतम स्तर प्राप्त करने में सफल रहा। फिनलैंड का रहा इसमें स्थान। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग, कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स जो पूछा जाता है, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ये रही है 43। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की सालाना वैश्विक रिपोर्ट में भारत ने यह स्थान हासिल किया है। 64 देशों की सूची में इसमें आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पोजीशन किसकी रही है 64 देशों में, तो फर्स्ट पोजीशन रही है स्विट्जरलैंड की। फर्स्ट पोजीशन स्विट्जरलैंड की रही है, और 43वां स्थान रहा है इसमें भारत का।
अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020-22 में शीर्ष 200 में शामिल भारतीय संस्थान कौन सा है? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएस बेंगलोर, ये सब शामिल इसमें रहे हैं। 35 यूनिवर्सिटीज को 200 में अगर पूछा जाए तो 200 में 35 यूनिवर्सिटीज को जगह दी गई है। 3 यूनिवर्सिटी टॉप, मतलब कुल 35 यूनिवर्सिटीज को जगह दी गई है, टोटल 200 में नहीं, टोटल। और 3 जो है वो 200 में शामिल है, 35 में से जो 3 है ये 200 में शामिल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे 117वां, आईआईटी दिल्ली 185वां और आईआईएस बैंगलोर 186वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो शीर्ष स्थान इसमें रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ MIT जिसको बोलते हैं, ओसामा बिन लादेन भी यहां से पढ़े हुए थे, 2022 के लिए इस रैंकिंग में 18वां संस्करण यह जो जारी किया गया है तो इसी ने प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। और उसके बाद में आगे स्थान देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड कहाँ है? ऑक्सफोर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपसे पूछा जाए तो ये USA में है, ठीक है। तो ये सब, ये थर्ड स्थान पर ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है। अगला जो प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार दुनिया के सब रहने योग्य शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? जो सबसे अच्छा शहर है पूरी दुनिया में, जहां पे आप अपने चहेते के साथ बसना चाहते हैं तो ऑकलैंड, मतलब चाह सकते हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, दुनिया के रहने योग्य वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटीज की बात की जाए तो उसमें प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है। इसके बाद जापान में ओसाका और टोक्यो ये स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं। और बात की जाए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तो ये एक अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है इकोनॉमिस्ट ग्रुप का, जो इकोनॉमिस्ट ग्रुप है उसका। और ये दुनिया भर में कई जगहों पे अपने कार्यालय इसने बना रखे हैं और सलाहकारी कार्य, पूर्वानुमान का कार्य ये सब करता है, पूर्वानुमान लगाता है, सलाहकारी कार्य करता है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट आप कह सकते हैं, 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 2020 की रैंकिंग जारी जो की गई तो भारत की रैंक 2 स्थान और गिर गई, 117 हो गई, ठीक है ना, 117। 2020 में जो ये रैंक हुआ करती थी वो 115 थी, 2021 में ये रैंक गिर के 117 हो गई, 2 स्थान नीचे चला गया भारत, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झारखंड और बिहार तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब देखा गया कि कितना तैयार है तो पाया गया कि वो सबसे कम तैयार है ना। और समग्र स्कोर में जो सबसे सही राज्य रहे हैं तो उसमें केरल को पहला स्थान इसमें मिला है, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट में। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ है। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, रिलीज किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण RBI के द्वारा किया जाता है। और इसमें RBI क्या देखता है, इसमें देखता है कि मतलब कितना कॉन्फिडेंस है उपभोक्ता का। और इसमें करंट सिचुएशन इंडेक्स एक जारी किया गया तो वो उसमें 48.5 तक वो गिरा, और एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स जारी किया गया तो वो 96.4 पर आके गिरा, मतलब रुका। तो उसी के आधार पर इसको निकाला जाता है, ठीक है। आपने बताया नहीं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था RBI का, अभी मैंने पूछा था तो मैं बता दे रहा हूँ, ये 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 2019 में WTO के शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान क्या है WTO के? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो चावल, सोयाबीन, कपास और मांस के निर्यात में अच्छी हिस्सेदारी रखता है। 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर आधारित ये रिपोर्ट थी तो भारत का जो निर्यातकों की सूची में स्थान है तो 9वां है। भारत के साथ समस्या ये है कि यहाँ पे उत्पादन तो होता है, प्रोडक्शन खूब अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन के साथ साथ में है पॉपुलेशन, तो यहाँ पे कंज्यूम भी बहुत तेजी से हो जाता है,
कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो निर्यात हम क्यों करेंगे, एक्सपोर्ट हम कैसे करेंगे, जब यहीं पर हमारे लिए समस्याएं हैं, कितना आ जाए उतना हम लोग सब लोग खा लें, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्ष से या शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, ये ऑक्सफैम ने जारी की है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत होती है पूरी दुनिया में, हर मिनट में, ये टोटल मौत की संख्या नहीं है, एक मिनट में 11 लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, भूखों मर जाते हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि दुनिया भर में अकाल जैसी स्थिति का सामना करने वालों की संख्या पिछले साल से 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है, 6 टाइम्स ये इंक्रीज कर गया है। COVID-19 से जितनी मौतें होती हैं उससे भी ज्यादा मौतें इससे हो जाती हैं, सोच के देखिए जरा कितनी दयनीय दशा है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, पहला है कि इस सूचकांक के तहत देश का 5 स्तंभों के आधार पर आकलन किया जाता है, बिल्कुल सही है, 5 स्तंभ, आजकल ऐसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 5 स्तंभों के आधार पर, और इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें भारत की रैंक, भारत को 10वें स्थान पर रखा गया, जो भारत की रैंकिंग है वो 10वीं है, ये भी सही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को पहला स्थान हासिल हुआ है, और अगला है कि इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान है ये ठीक है, लेकिन भारत की जो रैंकिंग है वो 10वीं है वो तो सही है, लेकिन शीर्ष स्थान है या नहीं यही देखना है। तो भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4th पोजीशन प्राप्त है, न कि 1st पोजीशन, तो ये गलत हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में, वही प्रश्न, तो अलग से मैंने बना दिया, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, 10वां स्थान, यही इसी में से भाई, एक तो ये हो गया कि, और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है भारत का अलग से स्थान आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ITU के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल टेलीकॉम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। भारत के पहले कृषि क्षेत्रीय सूचकांक का नाम क्या है? अभी 2 सूचकांक जारी करना शुरू किया है भारत ने कृषि क्षेत्रीय सूचकांक में, तो एक है ग्वारेक्स, है ना, ग्वारेक्स, और दूसरा कौन सा है इसमें, स्वैडेक्स, एक स्वैडेक्स भी है, तो जो ग्वारेक्स है ये ग्वार्स के उत्पादन से रिलेटेड है, और जो स्वैडेक्स है ये रिटर्न आधारित है, रिटर्न आधारित सूचकांक है, ग्वार सीड और ग्वार गम रिफाइंड में जो वायदा कारोबार होता है, वायदा अनुबंध होता है, तो उसके मूल्य के उतार चढ़ाव पर ही आधारित होगा। स्वैडेक्स जो होगा, स्वैडेक्स ये सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल के संबंध में जो वायदा कारोबार होता है तो उससे रिलेटेड होगा। तो कृषि क्षेत्रीय सूचकांक ये भारत के पहले हैं, ग्वारेक्स और स्वैडेक्स, तो ग्वारेक्स का नाम यहाँ पर दिया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है, और उसके बाद में फिर भारत का स्थान भी हमको देखना है। तो यहाँ पर भारत जो है 2nd स्थान पर पहुंच गया है, और चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ये USA को पछाड़ के पहुंचा है, चीन, उसके बाद में भारत, और फिर USA आ गया है, तो दूसरा स्थान है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर आपसे पूछा जा रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है, सेफ सिटीज यहाँ पे पूछा जा रहा है, आरामदायक वाली नहीं, सेफ की बात हो रही है, तो इसमें प्रथम स्थान मिला है कोपेनहेगन को, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, 60 वैश्विक शहरों में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा घोषित किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कोपेनहेगन के बाद में टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी, इनका स्थान, भारत के कोई शहर टॉप 10 में नहीं मिलेंगे आपको, कोपेनहेगन, टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी, ऐसे क्रम है। वित्तीय समावेशन सूचकांक का संबंध किससे है?
तो वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक से ही रिलेटेड है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इसको बोलते हैं, और फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये व्यापक सूचकांक है, क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से जैसे बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक, पेंशन, इन सब के परामर्श से इसको तैयार किया जाता है। 0 से 100 के बीच में इसमें रखा जाता है पैमाना, बात समझ में आ रही है। 0 का मतलब पूर्ण वित्तीय बहिष्करण की स्थिति है, और 100 का मतलब है पूर्ण वित्तीय समावेशन हो गया, तो बहिष्करण से समावेशन इंक्लूजन तक ये जाता है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है, और भारत का तो ये सर्वश्रेष्ठ है, वैसे वैश्विक स्तर पर 45वीं इसकी रैंक है। हैदराबाद का फिर भारत में 64वीं रैंक पे रहा है, विश्व स्तर की बात हो रही है, और विश्व स्तर पे दोहा हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे अच्छा रहा है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पूरे विश्व में। फिर टोक्यो का हनेडा हवाई अड्डा है, चांगी हवाई अड्डा, फिर सिंगापुर का, तो दोहा का हमाद हवाई अड्डा जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो प्रथम पे रहा है, भारत में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वैश्विक युवा विकास सूचकांक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग 122 122वीं रही है। अगस्त में इसको जारी किया गया, 10 अगस्त को जारी किया गया, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा इसको जारी किया गया, और वैश्विक युवा सूचकांक 181 देशों में भारत को देता है 122 स्थान। ठीक है, शीर्ष स्थान अगर पूछ लिया जाए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में तो ये रहा है सिंगापुर का, किसका रहा है, सिंगापुर का स्थान इसमें रहा है। अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया भर में सबसे उदार देश इंडोनेशिया है, सबसे ज्यादा उदार देश, दानदाता देश, भारत का स्थान इसमें क्या रहा है, तो भारत 14वें स्थान पर रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत सूचकांक में सबसे तेजी से प्रगति करने वाले देशों में भी रहा है, 36% भारतीयों ने दान दिया है कोविड के तहत, इसमें बताया गया। सामाजिक कार्यों में 34% भारतीयों ने भाग लिया है स्वेच्छा से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया, मैंने अभी बताया था ना कि वो अलग है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये सितंबर में अभी जारी हुआ है, 20 सितंबर के आसपास ये जारी किया गया है, तो ये जो है इसमें भारत को 46वें स्थान पर रखा गया। भारत पिछले साल की रैंकिंग से क्या हुआ है, 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है, 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। पहले इसकी रैंकिंग हुआ करती थी 2020 में 48, और 2020 की जो 48 रैंकिंग है उससे 2021 में 46 हो गया, तो 2 ऊपर चढ़ा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड इसमें है। करंट की मैगजीन जारी हो गई है, उसको आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो वहां पर ये सब मटेरियल आपको मिलते रहते हैं, उसमें हम लास्ट महीने के क्वेश्चन भी देते हैं। जैसे ये मैगजीन हमारी जो होती है वो सितंबर के नाम से है, उसमें सितंबर की ही घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि वो अगस्त की घटनाएं हैं, 1 से 30 सितंबर की घटना उसमें कवर की गई है, और अगस्त के महीने के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसमें दिए गए हैं, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए वहां से और अपना सेव कर लीजिए, रिवीजन करिए। इन प्रोग्राम में भी वो जो ये पीडीएफ तो हम देंगे ही, साथ में वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का संस्करण एक जारी किया गया, 2022 का ये संस्करण है, इसमें शामिल शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का संस्करण जारी किया गया है इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो ये तो आप बी ऑप्शन इसका, भारतीय विज्ञान संस्थान है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसमें लिखा ही हुआ है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है, तो इसको अलग से जानने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है, बाकी इसके बारे में और आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत कुल 162 देशों में ओवरऑल मेडल टैली में किस स्थान पर रहा, टोटल देखा जाए, यहां पे भी ये रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये बताइए टोटल में कितना रहा पैरालंपिक में, तो ये 24वें स्थान पर रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा,
162 देशों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद में जो है जब रैंकिंग जारी की गई तो 24वें स्थान पर भारत रहा है ओवरऑल मेडल टैली में। भारत को इसमें 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य मिले हैं, 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज इसमें प्राप्त हुए हैं, 19 पदक इसमें मिले हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में इस सूची में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान दिया। भारत के किस संस्थान को शीर्ष या सबसे अच्छी रैंक प्राप्त हुई है? तो इस सबका उत्तर इस बार लगभग IISc बैंगलोर ही है, ठीक है, क्योंकि जो रैंकिंग होती है तो उसमें कुछ पैमाने होते हैं जिनमें देखा जाता है, तो लगभग एक ही जैसी चीजें देखी जाती हैं, तो जो टॉप करता है वही टॉप करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इसमें सबसे ऊपर है। ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर है।